नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका वर्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी में और मैं हूं आपके दोस्त प्रियंका। पिछली वीडियो में हमने कुछ शुभ संकेत के बारे में बात की थी, आपने वीडियो देखी होगी और आपने मैच भी किया होगा। ऐसा होता है, हमें आने वाले संकेत ये एहसास दिला देते हैं कि हमारे आने वाले समय में चेंजेस होने वाले हैं और शुभ संकेत आने से आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है इसका एक इशारा हमें मिल जाता है। और आज की इस वीडियो में इसी का दूसरा पार्ट मैंने बनाया है अशुभ संकेत के बारे में कि आपको अगर ऐसे संकेत मिले तो आपको सावधान होना चाहिए, काम कार्य को जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसे टाल देना चाहिए या थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने अपने घर में कुत्ता रखा हुआ है और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वो पालतू कुत्ता आपको बार बार देख के भौंक रहा है या गाड़ी के आगे आ रहा है तो आपको उस कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए, ये एक अशुभ संकेत माना गया है। आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको वहीं रुक जाना है, अगर कार्य टाल सकते हैं तो टाल दें और अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, एक गिलास पानी पिए उसके बाद निकलें। यदि आप भोजन कर रहे हैं, मिस लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हैं और अगर आपको कुत्ते का रोना सुनाई दे दे तो ये एक बहुत अशुभ संकेत होता है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए, काम में भी सावधानी बरतनी चाहिए या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मकान बन रही है या किसी मकान के ऊपर उल्लू आके बैठ जाता है तो आने वाले समय में संकट आने वाला है, आपको सतर्क रहना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मिस घर से निकल रहे हैं और आपका कपड़ा किसी चीज़ में फंस जाए तो आपको थोड़े देर के लिए वेट कर लेना है, रुक जाना है, क्योंकि जाते समय अगर कपड़ा का फंसना ये शुभ संकेत नहीं होता है, मिस उस कार्य में बाधा आ सकती है तो आपको वेट करना है। या किसी भी व्यक्ति को जाते समय कभी टोकना नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। कार्य पूरा होने में मतलब संदेह रहता है कि वो कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं। कहीं जाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के दर्शन करके ही निकले, अगर किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो आने वाले समय जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर किसी कार्य के जा रहा है तो उसके भोजन में दूध से बनी चीज़ रखना या दूध को उसके नज़र के सामने लाना ये एक अशुभ संकेत होता है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यदि घर में आपके पालतू कुत्ता है और उसके आँखों में आंसू आए या उस भोजन का त्याग करना मतलब भोजन करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि घर में कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि ये एक अशुभ संकेत होता है। कहीं आप बैठे हैं और बिल्ली आके अचानक आपका पैर सूंघने लगे तो समझ जाइए कि ये भी आने वाला समय में आपके साथ कोई संकट आने वाला है, तो इससे आपको सतर्क रहना है। झाड़ू पर पैर रखना बहुत अशुभ होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू पर पैर न रखें। इसका मतलब आप घर में आए हुए लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बच्चों को भी बताएं या घर में कि झाड़ू पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। कभी भी गाय को या अन्य जानवर कोई भी हो उसको कभी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, एक भयंकर अशुभ होता है। मीन्स आपके घर में अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझिए कुछ ना कुछ अनहोनी होगी और महालक्ष्मी आपके घर से दूर हो जाएंगी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी जानवर को मारे नहीं, झाड़ू से ही नहीं आप मारे ही नहीं, क्योंकि हमें अपने घर में लक्ष्मी को रखना है तभी आगे हर काम अच्छे से होता रहेगा। झाड़ू को घर के बाहर या छत पर कभी ना रखें, नहीं तो चोरी होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। आप दो चार बार ऐसा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि चोरी होने का भय आपको सताता रहेगा, तो इसलिए ऐसा काम करें ही नहीं। अगर कोई सदस्य किसी काम से बाहर जा रहा है किसी अच्छे काम के लिए, उसके जाते ही आपको झाड़ू नहीं लगाना है, नहीं तो उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है, उसका कार्य पूर्ण होने में संदेह बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नए जूते ला के बच्चे या बड़े भी टेबल पे या बेड पे रख देते हैं, ये भी एक अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब घर में दरारें पड़ सकती हैं, तो इस बात को आपको अवॉइड करना है। खुले हुए छाते को घर के अंदर कभी नहीं रखते हैं, अगर आप बारिश में भीग के आ रहे हैं तो वो छाता घर के बाहर रखें, पानी निकल जाए तो बंद करके तभी छाते को अंदर लेके आए। खुले हुए छाते को अगर घर के अंदर आप रखते हैं तो ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में प्रायः बिल्लियाँ लड़ती हुई रहती हैं तो वहाँ विवाद हो सकता है, भाइयों से विवाद, बहनों से विवाद, में विवाद की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, तो ये इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा हो तो बिल्लियों को वहाँ से भगाएं या इस चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसे आप सुन के थोड़ा सतर्क हो सकते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कोई मुसीबत ना आए,
और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।